नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 3 में भाग 11 तक पढ़ लिया था। भाग 11 में आपने भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में पढ़ लिया। अब आता है भाग 12 में, उसके आगे के टॉपिक जो कि है वाय भ्रूण कलाएं या गर्भ झिल्लियां। भ्रूण के चारों तरफ कुल 4 झिल्लियां पाई जाती हैं। हम देखेंगे उन चारों झिल्लियों का क्या कार्य होता है। तो नेक्स्ट आपका हेडिंग होगा वाय भ्रूण झिल्लियां या गर्भ झिल्लियां, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और फीटल मेम्ब्रेन, या फिर हम इसे फीटल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका भ्रूणीय परिवर्धन के बाद वाय भ्रूण झिल्लियां या गर्भ झिल्लियां। भ्रूण के चारों तरफ झिल्लियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम वाय भ्रूण झिल्लियां या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। इनकी संख्या कुल 4 होती है, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी। इन सभी में, सरीसृप, पक्षियों व स्तनधारियों में भ्रूण के सुरक्षा, पोषण, श्वसन व उत्सर्जन के लिए वाय भ्रूण झिल्लियां पाई जाती हैं। इनसे किसी अंग का निर्माण नहीं होता, ठीक है, इनसे किसी भी अंग का निर्माण नहीं होता। ये क्या कार्य करती हैं? भ्रूण को सुरक्षा प्रदान करती हैं, भ्रूण को पोषण, श्वसन और उत्सर्जन में सहायता करती हैं। क्लियर है? याद कर लीजिए वाय भ्रूण झिल्लियों का कार्य क्या है। वाय भ्रूण झिल्लियों का कार्य है भ्रूण को पोषण, सुरक्षा, श्वसन व उत्सर्जन में सहायता करना। तो मानव में कुल 4 वाय भ्रूण झिल्लियां पाई जाती हैं। नाम याद करेंगे, पहला योक सैक, योक सैक, जिसके बारे में एनसीईआरटी में उल्लेख है, इसी कारण मुझे ये पूरा बताना पड़ रहा। हालांकि योक सैक के बारे में क्या है क्या नहीं वो वहाँ पर एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है, लेकिन फिगर में लिखा हुआ है योक सैक, इसलिए मुझे ये बताना पड़ रहा। ये बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है, एक दो पॉइंट सिर्फ जानना है इसके बारे में। नाम याद रखना है कि कौन कौन सी झिल्लियाँ पाई जाती हैं। 4 होती हैं, योक सैक और दूसरा एमनियन, तीसरा कोरियन, चौथा अपरापोषिका या एलेंटॉइस। देखिए अपरापोषिका पोषण प्रदान करता है, इसी वजह से इसे हम अपरापोषिका कहते हैं। आइए लोकेशन देखते हैं। योक सैक, ये जो आप संरचना देख रहे हैं भ्रूण के नीचे विकसित होती है, इसे हम कहते हैं योक सैक। ये है, ठीक है, ये है योक सैक। दूसरा एमनियन, तो ये देखिए भ्रूण को चारों तरफ से घेरे हुए है, ब्लू कलर से जो संरचना आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं एमनियन। तीसरा कोरियन, भ्रूण को पूर्ण रूप से चारों तरफ से घेरे होती है, इसे हम कहते हैं कोरियन। चौथा अपरापोषिका या एलेंटोइस, तो आप यहाँ पर देखिए ये जो संरचना आप देख रहे हैं पर्पल कलर से बनी हुई, ये पूरी संरचना कहलाती है अपरापोषिका या एलेंटोइस। ठीक, बस इन्हीं चारों के बारे में आपको जानना है। तो मनुष्य में कुल कितनी वाय भ्रूण झिल्लियां पाई जाती हैं? 4, योक सैक, एमनियन, कोरियन और अपरापोषिका। इससे पहले जो फिगर था उसमें योक सैक और अपरापोषिका नहीं बनाए थे, क्योंकि वहां पर हमें अम्बिलिकल कॉर्ड को समझाना था, जो कि समझ चुके हैं। अब थोड़ा डेप्थ में जाएंगे तो देखेंगे कि यहां पर 2 झिल्लियां और पाई जाती हैं, योक सैक और अपरापोषिका या एलेंटोइस।
चार वाय भ्रूण झिल्लियाँ पाई जाती हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इसमें से सबसे पहले हम जाने योक सैक के बारे में। योक सैक भ्रूण में नीचे विकसित होता है, ठीक है। दूसरा, योक सैक पीतक रहित होता है। इसका मतलब क्या होता है, योक सैक क्या है, पीतक रहित होता है। पहले हम इसको इरेज कर देते हैं, पहले हम योक सैक के बारे में पढ़ते हैं। नाम याद हो गया चारों का, योक सैक, एमनियन, कोरियन और अपरापोसिका या एलेंटोइस। अब हम सबसे पहले समझेंगे योक सैक के बारे में। योक सैक भ्रूण के नीचे विकसित होता है, भ्रूण के नीचे विकसित होता है, ठीक, या पीतक यानी योक रहित होता है। योक रहित होता है मतलब इसमें योक नहीं पाया जाता। जैसे आप मुर्गी के अंडे अगर आपने खाया हो या देखा हो तो उसमें बीच में पीला भाग होता है गोल सा, तो वो योक कहलाता है। अंडे में जो मुर्गी के अंडे आप बॉईल करके खाते हो, बॉईल करने पर काटने पर आप देखोगे तो चारों तरफ सफ़ेद रंग का होता है, उस सफ़ेद वाले भाग को एल्ब्यूमिन कहते हैं और बीच वाले जो भाग है जिसमें जो पीले रंग का होता है उसे हम योक कहते हैं। तो यहाँ पर जो मनुष्य का भ्रूण है उसमें योक सैक में योक या पीतक नहीं पाया जाता। योक सैक मनुष्य में एक अवशेषी अंग होता है, याद रखेंगे कि योक सैक मनुष्य में एक अवशेषी अंग होता है। थोड़ा बहुत इसका काम है जैसे शुरुआती सगर्भता के शुरुआती 6 सप्ताह तक या रक्त कोशिकाओं यानी ब्लड सेल्स के निर्माण स्थल का कार्य करता है, निर्माण स्थल का कार्य करता है, यानी सगर्भता प्रेगनेंसी के बाद, सगर्भता के शुरुआती 6 सप्ताह तक यह रक्त कोशिकाओं के निर्माण स्थल का कार्य करता है। यानी जब प्रेगनेंसी हो जाती है, सगर्भता हो जाता है, तब से लेकर 6 सप्ताह तक भ्रूण में रक्त कोशिकाओं यानी ब्लड सेल्स RBC का निर्माण कहाँ होता है, योक सैक में। लेकिन इसके बाद रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है, इसके बाद रक्त कोशिकाओं का निर्माण यकृत में होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह पूछा गया है कि भ्रूण में रक्त का निर्माण या RBC का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में। ये तो बस शुरुआती कुछ समय तक रक्त का निर्माण होता है योक सैक में, लेकिन जो मुख्य रूप से पूछा जाता है कि भ्रूण में रक्त कोशिकाओं या RBC का निर्माण कहाँ होता है, तो आप क्या बताएंगे, यकृत में। वयस्कों में RBC का निर्माण कहाँ होता है, कमेंट बॉक्स में बताइए, बताया हूँ। तो वयस्क में RBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में, लाल अस्थि मज्जा। भ्रूण में RBC का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। क्लियर है सारी चीज़ें। अब योक सैक का कार्य क्या रह गया, तो बाद में योक सैक मुख्यतः पाचन का कार्य करता है। बाद में योक सैक मुख्यतः पाचन का कार्य करता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, अतः इससे भ्रूणीय आंत्र यानी एम्ब्रियोनिक गट कहा जाता है। क्लियर, बस इतनी बातें योक सैक के बारे में याद करना इम्पॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कि योक सैक एक अवशेषी अंग है, दूसरा योक सैक पीतक रहित होता है मनुष्य में यानी योक नहीं पाया जाता, तीसरा कि शुरुआती 6 सप्ताह सगर्भता के शुरुआती 6 सप्ताह तक
रक्त कोशिकाओं का निर्माण योगसैक में होता है और इसके बाद रक्त कोशिकाओं का निर्माण यकृत यानी लीवर में होने लगता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं आपसे कहूंगा याद कर डालिए, भ्रूण में रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। वयस्क में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? वयस्क का मतलब जब शिशु जन्म ले लेता है, बड़ा हो जाता है, जैसे हम लोगों के अंदर अगर आरबीसी का निर्माण होना है तो कहाँ होता है? रेड बोन मैरो यानी लाल अस्थि मज्जा में। भ्रूण में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। बाद में योगसैक का कार्य क्या हो जाता है? मुख्यतः पाचन का, इसीलिए हम इसे भ्रूणीय आंत्र यानी एम्ब्रियोनिक गट कहते हैं। अब इसके बाद दूसरा आता है एमनियन। एमनियन के बारे में बात करें तो एमनियन मुख्य रूप से बना होता है आंतरिक एक्टोडर्म प्लस वाय मीजोडर्म से, ठीक है। यहाँ पर हम डिटेल नहीं बताएंगे, आपको बस रट डालना है, याद कर लेना है कि एमनियन का निर्माण किससे होता है? आंतरिक एक्टोडर्म और वाय मीजोडर्म से। ये सब बातें याद रखेंगे कि एक्टोडर्म कहाँ? आंतरिक, और मीजोडर्म वाय। तो एमनियन का निर्माण होता है आंतरिक एक्टोडर्म वाय मीजोडर्म से। अगर आप देखें तो एमनियन ये स्तर है जो ब्लू कलर से दिखाया गया, एमनियन और भ्रूण के मध्य गुहा होती है, खाली गुहा। इस गुहा को कहते हैं एमनियोटिक गुहा यानी एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक गुहा होती है। इस एमनियोटिक गुहा में भ्रूण तथा एमनियन से स्रावित एमनियोटिक फ्लूड यानी एमनियोटिक द्रव भरा होता है, एमनियोटिक द्रव भरा होता है। ये भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है एमनियन के लिहाज से, कि एमनियन के बारे में जो क्वेश्चन पूछा था वो ये कि एमनियन का निर्माण किससे होता है? आंतरिक एक्टोडर्म और वाय मीजोडर्म से। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एमनियन और भ्रूण के मध्य में जो खाली गुहा होती है उसे क्या कहते हैं? एमनियोटिक गुहा। इस एमनियोटिक गुहा में क्या पाया जाता है? तो एक तरल भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसे हम एमनियोटिक द्रव कहते हैं। और इस एमनियोटिक द्रव में भ्रूण की कोशिकाएँ पाई जाती हैं, क्योंकि भ्रूण है, डेवलप हो रहा है, इसमें उसकी कोशिकाएं पाई जाएंगी, बिखरी होंगी। उन कोशिकाओं को हम इंजेक्शन के द्वारा निकाल सकते हैं और उन कोशिकाओं का परीक्षण कर सकते हैं। लैब में उन कोशिकाओं का परीक्षण किया जाता है, उसमें देखा जाता है कि कौन कौन से क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि क्या 46 क्रोमोसोम पूर्ण हैं या अपूर्ण हैं, मान लो कि 46 क्रोमोसोम की जगह 45 हो गए, 44 हो गए, या एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा 47 हो गए, तो ये क्या दर्शाता है? कि जन्मजात रोग यानी डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, इन सभी को दर्शाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि डेवलपिंग फीटस यानी भ्रूण के परिवर्धन के समय हम एमनियोटिक द्रव को सीरिंज द्वारा निकाल कर उसमें उपस्थित भ्रूणीय कोशिकाओं का परीक्षण कर सकते हैं और उसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि क्या शिशु में कोई जन्मजात विकार तो नहीं है, कोई जन्मजात रोग तो नहीं है, डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम तो नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि ये रोग होने की संभावना है तब किया जाता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इन्हीं कोशिकाओं से हम भ्रूण के लिंग का भी पता लगा सकते हैं कि जो गर्भ में पल रहा शिशु है वो नर है या मादा, यानी मेल है या फीमेल है, इसका पता हम लगा सकते हैं एमनियोटिक द्रव में उपस्थित भ्रूणीय कोशिका द्वारा। उसमें गुणसूत्र देख लेंगे, 46वां गुणसूत्र XX है तो मादा, और अगर XY है तो नर। तो इस विधि को हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, जो कि भारत में पूर्णतया बैन है, क्योंकि इसका गलत उपयोग किया जा रहा। गलत उपयोग इस तरह से कि अगर पता चल जाता है पेरेंट्स को कि गर्भ में पल रहा शिशु मादा है यानी वो लड़की है, तो बहुत सारे लोग अबॉर्शन करवा लेते हैं, यानी उसे गर्भपात करवा लेते हैं, गर्भ को बाहर निकलवा देते हैं, बच्चा जन्म ही नहीं ले पाता। तो इसको देखते हुए जो जो रेट देखा गया पुरुष और महिलाओं में कि कितनी ज़्यादा संख्या है पॉपुलेशन में, तो ये पाया गया कि महिलाओं की संख्या कम होती जा रही थी। रीज़न इसमें ये भी था, इसलिए भारत सरकार ने इसको बैन कर दिया कि भ्रूण का जन्म से पूर्व परीक्षण नहीं किया जाएगा, यानी यह नहीं पता लगाया जाएगा कि वो नर है या मादा। ऐसा करना कानूनन अपराध होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ऐसे प्रसव वाले जो चिकित्सालय होते हैं जहाँ पर प्रसव प्रक्रियाएं होती हैं,
जहाँ पर बच्चे जन्म लेते हैं वहाँ पर साफ साफ लिखा होता है बड़े बोर्ड में कि प्रसव से पूर्व लिंग का जांच नहीं होता, यह एक कानूनन अपराध है। ठीक है, समझ में आया। एमनियन झिल्ली है, एमनियन झिल्ली और भ्रूण के मध्य में जो खाली गुहा होता है उसे हम एमनियोटिक गुहा कहते हैं। इस गुहा में एमनियोटिक द्रव भरा होता है। इस द्रव में भ्रूण की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं को निकालकर हम परीक्षण करके इसके लिंग का जांच कर सकते हैं कि नर है या मादा। दूसरा, इसमें हम जन्मजात विकारों का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, पता चला कि एमनियोटिक द्रव से हम क्या क्या कर सकते हैं, लिंग का परीक्षण कर सकते हैं, दूसरा जन्मजात विकार का पता लगा सकते हैं या रोग का पता लगा सकते हैं। लिंग का परीक्षण कैसे कर सकते हैं, उसके क्रोमोसोम को देखेंगे, 46वां क्रोमोसोम XX है तो क्या बताएगा, ये मादा है, जो गर्भ में पला शिशु क्या है, मादा है। अगर इसमें XY है तो क्या बताएगा, ये नर है। ठीक है, जन्मजात विकार मान लो कि 46 गुणसूत्र होने चाहिए, इसकी जगह पर अगर 47 हो गया तो क्या बताएगा, जन्मजात विकार है। अगर इसकी जगह पर 45 है तो क्या बताएगा, जन्मजात विकार है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम भ्रूण में पल गर्भ में पल रहे शिशु के जन्मजात विकार और लिंग का परीक्षण कर सकते हैं। इसी प्रक्रिया को हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, जो कि भारत में पूर्ण रूप से बैन है, नहीं किया जा सकता। जन्मजात विकार का पता लगाया जा सकता है लेकिन लिंग का परीक्षण नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कहीं पर भी होता है तो वो कानूनन अपराध माना जाता है। अब उसके बाद आते हैं कोरियोन स्तर पर। कोरियोन भ्रूण को भ्रूण के चारों ओर फैला होता है और यह मुख्य रूप से भ्रूण के पोषण, उत्सर्जन और श्वसन में सहायता करता है। बस इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं आखिरी अपरापोषिका या एलेंटोइस के बारे में। अपरापोषिका या एलेंटोइस सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, या अपरापोषिका नाभिरज्जु के माध्यम से भ्रूण से जुड़ा होता है। अपरापोषिका नाभिरज्जु के माध्यम से भ्रूण से जुड़ा होता है। इसमें रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, साथ साथ प्लासेंटल धमनी, प्लासेंटल सिरा, इन सभी का विकास अपरापोषिका में होता है। अपरापोषिका अपरा का यानी प्लासेंटा का भ्रूणीय भाग बनाता है, यानी ये भ्रूणीय भाग, ये अपरा है, ये तो चला गया उसमें गर्भाशय में, अपरा का भ्रूणीय भाग बनाता है अपरापोषिका, जो भ्रूण की तरफ होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अपरापोषिका का कार्य क्या है, तो यह गर्भाशय से भ्रूण के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है। अब चूंकि पोषक पदार्थों को ग्रहण करके भ्रूण तक पहुंचाता है, इसीलिए इसे हम कहते हैं अपरापोषिका। ठीक है, एलेंटोइस। बस ये चार झिल्ली थे जिनके बारे में आपको बता दिया गया, आप इसको नोट कर लीजिए। आप हेडिंग डालेंगे वाय भ्रूण झिल्लियाँ या गर्भ झिल्लियाँ, यानी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और फीटल मेम्ब्रेन। इसमें लिखेंगे सरीसृप कौमा पक्षियों व स्तनधारियों में भ्रूण की सुरक्षा कौमा पोषण कौमा श्वसन व उत्सर्जन के लिए वाय भ्रूण कलाएँ यानी मेम्ब्रेन बनती हैं। इनसे किसी अंग का निर्माण नहीं होता। इनकी संख्या चार होती हैं। आप डैश करके पहला लिखेंगे योक सैक, दूसरा एमनियन, तीसरा कोरियन और चौथा अपरापोषिका या एलेंटोइस। अब इसमें आप पहला हेडिंग डालेंगे योक सैक। योक सैक के बारे में लिखेंगे कि यह भ्रूण के नीचे विकसित होता है तथा पीतक रहित यानी योक रहित होता है। आगे लिखेंगे कि यह मनुष्य में एक अवशेषी अंग होता है। लिखेंगे योक सैक सगर्भता के शुरुआती 6 सप्ताह तक इसमें रक्त कोशिकाओं के निर्माण स्थल का कार्य करता है। इसके बाद रक्त कोशिकाओं का निर्माण यकृत में होता है। फिर लिखेंगे कि बाद में योक सैक मुख्यतः पाचन का कार्य करता है, अतः इसे भ्रूणीय आंत्र यानी एम्ब्रियोनिक गट कहा जाता है। फिर आप दूसरा हेडिंग डालेंगे एमनियन। एमनियन के बारे में लिखेंगे कि यह
आंतरिक एक्टोडर्म व वाह मीजोडर्म की सबसे भीतरी वलय होता है, वलय यानी फोल्ड होता है। आगे लिखेंगे कि एमनियॉन व भ्रूण के मध्य एमनियोटिक गुहा पाई जाती है जो एमनियॉन तथा भ्रूण से स्रावित एमनियोटिक द्रव से भरी होती है। फिर आगे लिखेंगे एमनियोटिक द्रव में भ्रूण की कोशिकाएं पाई जाती हैं, इन कोशिकाओं से भ्रूण के लिंग तथा उसमें जन्मजात विकार का पता लगाया जा सकता है। इस विधि को एमनियोसेंटेसिस कहा जाता है जो भारत में बैन है। फिर आगे लिखेंगे तीसरा कोरियोन, लिखेंगे यह भ्रूण के चारों ओर फैला होता है जो भ्रूण के श्वसन पोषण व उत्सर्जन में सहायता करता है। फिर चौथा हेडिंग डालेंगे अपरापोषिका या एलेंटोइस, इसमें लिखेंगे या नाभिरज्जु द्वारा भ्रूण से जुड़ा होता है, इसमें रुधिर कोशिकाएं कौमा प्लासेंटल धमनी कौमा प्लासेंटल सिरा आदि का विकास होता है। फिर आगे लिखेंगे अपरापोषिका अपरा का यानी प्लासेंटा का भ्रूणीय भाग बनाता है तथा गर्भाशय से भ्रूण के लिए आवश्यक पोषक पदार्थों को ग्रहण करता है। बस ये था चार झिल्लियों के बारे में, आप इस फिगर को बना लीजिएगा। एक बार फिर से यहाँ पर योग सैक और यहाँ पर अपरापोषिका को दिखा दीजिएगा। अब इसके बाद आता है सगर्भता के पश्चात भ्रूण में अंगों का निर्माण, कौन कौन से महीनों में कौन कौन से अंग का निर्माण होता है। आइए आप देखेंगे कि सगर्भता के पश्चात भ्रूण में अंगों का विकास 9 माह के दौरान कैसे कैसे होता है, किस किस माह में किस अंग का निर्माण होता है। इससे पहले हम कुछ बातें जानेंगे कि शिशु जो गर्भ में पल रहा होता है उसे किस किस नाम से जाना जाता है, किस किस अवधि में। तो निषेचन के पश्चात जो युग्मनज है वो निषेचन के पश्चात 8 सप्ताह तक क्या कहलाता है। तो याद रखेंगे कि निषेचन के पश्चात कब तक, 8 सप्ताह तक युग्मनज को क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं यानी इम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, यानी निषेचन के पश्चात 8 सप्ताह तक उसे हम भ्रूण यानी इम्ब्रियो कहते हैं और 8 सप्ताह के बाद क्या कहा जाता है, 8 सप्ताह के बाद व जन्म से पूर्व उसे क्या कहते हैं, 8 सप्ताह के बाद और जन्म से पूर्व उसे क्या कहते हैं, उसे हम फीटस कहते हैं। ये सब क्वेश्चन बहुत आता है दिमाग में क्योंकि कहीं जगह पे लिखा होता है भ्रूण, कहीं लिखा होता है फीटस, कहीं पे लिखा होता है शिशु। तो इन शब्दों का मतलब समझिएगा किस अवधि में क्या कहा जाता है। तो निषेचन के पश्चात 8 सप्ताह तक यानी 2 महीने तक उस युग्मनज को हम भ्रूण कहते हैं, इम्ब्रियो कहते हैं। निषेचन के पश्चात 2 महीने तक हम उसे क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। जो गर्भ में पला शिशु है उसे हम भ्रूण कहते हैं, लेकिन 2 महीने के बाद यानी 8 सप्ताह के बाद अब हम उसे भ्रूण ना कहके क्या कहते हैं, फीटस कहते हैं। जब तक उसका जन्म नहीं हो जाता, जब तक वो माता के गर्भ में पला होता है उसे हम फीटस कहते हैं, यानी 8 सप्ताह के बाद व जन्म से पूर्व उसे हम फीटस कहते हैं। जन्म के पश्चात उसे क्या कहते हैं, तो जन्म के पश्चात व 1 वर्ष तक के बच्चे को शिशु यानी इन्फेंट कहते हैं। ये सब डेली लाइफ में आपके आएगा तो इसलिए जानना जरूरी होता है। इन्फेंट यानी शिशु, 1 वर्ष तक के बच्चे को यानी जन्म के पश्चात 1 वर्ष तक के जो शिशु को होता है उसे हम इन्फेंट कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई, क्लियर है। 3 चीज़ें, 3 नाम याद रखेंगे, भ्रूण, फीटस और शिशु। भ्रूण कब कहते हैं, निषेचन जब हो गया, गर्भाशय में अंतरोपण हो गया और उसके 8 सप्ताह तक के युग्मनज को हम भ्रूण कहते हैं, यानी निषेचन के पश्चात जो 9 महीने में 2 महीने शुरुआती के 2 महीने तक के युग्मनज को हम भ्रूण कहते हैं और 2 महीने के बाद और जन्म से पूर्व यानी 2 महीने के बाद 7 महीना बचा 9 महीने में, तो उस 7 महीने में जो डेवलपिंग इम्ब्रियो है उसे हम फीटस कहते हैं और 9 महीने के पश्चात जब जन्म हो जाता है 1 वर्ष तक जब तक शिशु होता है उसे हम शिशु यानी इन्फेंट कहते हैं। बस ये भी जानना जरूरी था इसलिए मैंने आपको बता दिया।
क्योंकि हमने जब तक पढ़ाई किया ये चीज़ें मिली नहीं, और अभी जाके मिला है, इसके बारे में पता चला कि इसे इस समय में ये कहते हैं, तो हमने कहा आपको बता दिया जाए। क्योंकि हम तो जानते थे कि भ्रूण को ही फीटस कहते हैं और फीटस बाद में इन्फेंट कहलाता है, लेकिन किस किस मतलब फेज़ में क्या कहलाता है ये नहीं पता था, तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आता है कि किस माह में, क्योंकि मनुष्य में अगर देखा जाए तो 9.5 मंथ का जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड का मतलब होता है गर्भावधि, 9 महीने कहते हैं ना, लेकिन वो होता है 9.5 मंथ, यानी 9.5 महीना, यानी 9 महीना 10 दिन 15 दिन, ठीक है, इतने तक का गर्भावधि होता है मनुष्य में, यानी निषेचन के पश्चात 9 महीने 10 दिन या 15 दिन तक गर्भावधि होती है, उस समय वह शिशु गर्भ में पल रहा होता है, और उसके बाद यानी निषेचन के लगभग 9 महीने 10 दिन 15 दिन के बाद शिशु का जन्म होता है, यानी प्रसव प्रक्रिया होती है, पार्चुरेशन होता है। उस काल को निषेचन के पश्चात शिशु के जन्म से पूर्व तक के काल को ही जेस्टेशन पीरियड या गर्भावधि कहते हैं, जो मानव में 9.5 मंथ यानी 9 महीने 10 से 15 दिन होता है। तो इस दौरान अलग अलग महीनों में अलग अलग अंगों का विकास होता है उस शिशु में। यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है कि प्रथम माह में क्या क्या बनता है, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, पाँचवें, छठवें, आठवें और नौवें महीने में क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो ये थोड़ा डिटेल है, अगर आपकी इच्छा है तो याद करिएगा, वरना इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में दिया गया है उसको तो आपको याद करना होगा, जो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा है सगर्भता के पश्चात शिशु का हृदय निर्मित होता है, यानी सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है निषेचन के पश्चात, यानी सगर्भता के पश्चात सबसे पहले हृदय निर्मित होता है, और फिर दूसरे माह के अंत तक उसमें हाथ पैर का विकास होता है, अंगुलियां विकसित हो जाती हैं, तीसरे माह के अंत तक आते आते उसमें प्रमुख अंग तंत्र का निर्माण हो जाता है, जैसे लिम्स सिस्टम का निर्माण हो जाता है, यानी पाद तंत्र का निर्माण हो जाता है, साथ ही जनन अंग अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। पाँचवें माह के अंत तक आते आते उसमें प्रथम गतिशीलता देखी जा सकती है, यानी वो मूवमेंट करने शुरू करता है, उसके सर पे बाल आ जाते हैं। छठवें महीने के अंत तक आते आते उसमें उसके पूरे शरीर पर कोमल बाल निकल आते हैं, बरौनियाँ और पलकें अलग हो जाती हैं, और 9 माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। इतनी बातें आपके एनसीईआरटी में लिखी गई हैं, जो कि आपको याद करना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि सगर्भता के बाद यानी निषेचन के पश्चात भ्रूण में हृदय निर्मित होता है, और उस हृदय में गति शुरू हो जाती है, यानी धड़कना शुरू हो जाता है, उसका हार्ट बीट करने लगता है 1 महीने के बाद, और उसे हम स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर्स लगाए होते हैं, जिसे हम सामान्य भाषा में आला भी कहते हैं, स्टेथोस्कोप द्वारा उसके हृदय की आवाज़ को सुना जा सकता है। तो सगर्भता के बाद किसका निर्माण होता है, सबसे पहले होता है हृदय का निर्माण, हार्ट फॉर्मेशन, और उसके बाद दूसरे माह के अंत तक पाद यानी लिम्स का मतलब होता है हाथ पैर, ठीक है, व अंगुलियां विकसित हो जाती हैं, ठीक है। तीसरे माह के अंत तक यानी 12 सप्ताह के बाद अंत तक प्रमुख अंग तंत्र जैसे पाद व जनन तंत्र अच्छी तरह विकसित हो जाते हैं, ठीक है। पांचवें माह के अंत तक क्या होता है, तो पांचवें माह के अंत तक
प्रथम गतिशीलता देखी जा सकती है। सिर पर बाल आ जाते हैं। छठे माह के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल, पलकें अलग हो जाती हैं। वह बरौनियाँ निकल आती हैं। ठीक है। और नौवें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए यानी बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। अब यही चीज़ें यहाँ पर डिटेल में लिखी गई हैं कि प्रथम माह के अंत तक क्या होता है। भ्रूण का हृदय धड़कने लगता है तथा हृदय की ध्वनि को स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जा सकता है। अग्र व पश्चपाद यानी लिंब कलिकाएँ निकलती हैं, यानी छोटा सा उभार बनता है, पूर्ण रूप से नहीं निकलता, कलिकाएँ निकलती हैं। दृष्टि वेसिकल व कर्ण वेसिकल यकृत व अग्न्याशयी कलिकाएँ बन जाती हैं, यानी ये अंग अभी बने नहीं हैं, सिर्फ कलिकाएँ निकली हैं, छोटी सी उभार बनी है, वही धीरे धीरे विकसित होकर बड़ी और पूर्ण बनती हैं। द्वितीय माह के अंत तक क्या होता है, पाद यानी लिम्स पैडल नुमा हो जाते हैं, कोहनी व घुटने स्थापित हो जाते हैं, एकल परतीय एपिडर्मिस स्थापित हो जाता है, नासिका, पिट, पिन्ना, नेत्र लेंस, पलकें स्थापित हो जाती हैं, अमाशय, आंतरिक काइल विकसित होने लगते हैं, वृक्क, मस्तिष्क वेसिकल व कार्पस स्टेटम भी बन जाते हैं। ये सब बहुत डिटेल है, अगर आपके जानने के इच्छुक हैं, आप अगर याद कर सकते हैं तो ही याद करिएगा, वरना एनसीईआरटी की लाइन बहुत है क्वेश्चन पूछने के लिए। तीसरा आता है तृतीय माह के अंत तक क्या होता है, तो प्रमुख अंग तंत्र बन जाते हैं जैसे बहुपरतीय एपिडर्मिस, अग्न्याशय में लैंगरहंस की दीपिकाएँ विकसित हो जाती हैं, थाइमस, थायराइड, पैराथायराइड विकसित हो जाता है, वाह्य जननांग व पाद सुविकसित हो जाते हैं, प्रोस्टेट ग्रंथि का निर्माण हो जाता है। चतुर्थ माह में मेडुलेटेड तंत्रिका तंत्र का विकास प्रारंभ हो जाता है। पाँचवें माह के अंत तक क्या होता है, भ्रूण की प्रथम गति देखी जा सकती है, सिर पर बाल आना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि पाँचवें माह के अंत तक क्या होता है, प्रथम गति देखी जा सकती है, अंडरलाइन कर लेंगे, सिर पर बाल आना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है। छठवें माह के अंत तक पूरे शरीर पर हल्के बाल उग जाते हैं, पलकें अलग हो जाती हैं, बरौनियाँ बनने लगती हैं। ये चीज़ें एनसीईआरटी में दी गई हैं, ये ठीक है। आठवें माह के अंत तक वृषण खिसक कर वृषण कोष में आ जाता है। शुरुआती दौर में भ्रूण में वृषण शरीर के अंदर होता है और वो आठवें माह के अंत तक वह शरीर से बाहर वृषण कोष में आ जाता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें वृषण कोष शरीर के अंदर ही होता है, जैसे हाथी में। नवें माह के अंत तक फीटस पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और जन्म के लिए तैयार हो जाता है। बस ये था आपका सगर्भता के पश्चात 9 माह में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो आप इसको हेड नल के लिखेंगे, पहला पॉइंट ऐसे लिखेंगे, हेडिंग नहीं डालेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, निषेचन के पश्चात 8 सप्ताह तक के युग्मनज को भ्रूण कहते हैं, यानी इम्ब्रियो कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे 8 सप्ताह के बाद के युग्मनज को ऐसे लिखेंगे, 8 सप्ताह के बाद तथा जन्म से पूर्व तक के भ्रूण को फीटस कहते हैं और जन्म के पश्चात व 1 वर्ष तक के बच्चे को शिशु यानी इन्फेंट कहते हैं। अगले लाइन से एनसीईआरटी का 9 नोट करेंगे, लिखेंगे सगर्भता के बाद भ्रूण में हृदय निर्मित होता है और हृदय की धड़कन को स्टेथोस्कोप द्वारा सुना जा सकता है। दूसरे माह के अंत तक पाद व अंगुलियाँ विकसित हो जाती हैं। तीसरे माह के अंत तक प्रमुख अंग तंत्र जैसे पाद व जनन तंत्र अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। पाँचवें माह के अंत तक प्रथम गतिशीलता देखी जा सकती है, सिर पर बाल आ जाते हैं। छठवें माह के अंत तक पूरे शरीर पर कोमल बाल, पलकें अलग हो जाती हैं व बरौनियाँ निकल आती हैं। नौवें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है व प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। और इसके बाद आप ये पूरा लिख सकते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पर, सगर्भता के हेडिंग डाल के सगर्भता के विभिन्न समय के दौरान अंगों का विकास, जैसे जैसे लिखा हुआ है वैसे वैसे आप लिख डालेंगे अगर मन है तो।
क्योंकि ये थोड़ा डिटेल है, अगर आपकी इच्छा होगी तो लिखिएगा। अध्याय का आखिरी टॉपिक आता है प्रसव एवं दुग्ध श्रवण, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। आइए देखते हैं प्रसव और दुग्ध श्रवण की प्रक्रिया को। प्रसव एवं दुग्ध श्रवण यानी पार्चुरेशन, प्रसव को इंग्लिश में कहते हैं पार्चुरेशन एंड दुग्ध श्रवण को कहते हैं लैक्टेशन। मानव में सगर्भता की औसत अवधि कितनी होती है? बताया था अभी आपको 9.5 माह यानी 9 महीने 10 से 15 दिन। मानव में सगर्भता की यानी प्रेगनेंसी की औसत अवधि, सगर्भता की औसत अवधि कितनी होती है? 9.5 माह। किसी में 9 महीने होती है, किसी में 9 महीने 10 दिन, किसी में 9 महीने 15 दिन, किसी में 9 महीने 5 दिन। एक एवरेज माना जाता है कि औसत अवधि 9.5 माह होती है। इसे क्या कहते हैं? इसे गर्भावधि कहा जाता है। गर्भावधि यानी इंग्लिश में इसे कहते हैं जेस्टेशन पीरियड, जेस्टेशन पीरियड। तो मनुष्य में जेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 9.5 माह का। तो मानव में सगर्भता की औसत अवधि 9.5 माह होती है, इसे गर्भावधि या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। और गर्भावधि के अंत तक गर्भाशय में तीव्र संकुचन होता है। संकुचन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, फैलाव उत्पन्न होता है गर्भाशय में, गर्भाशय पेशी स्तर में फैलाव उत्पन्न होता है और तीव्र संकुचन के कारण गर्भ गर्भाशय से बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही प्रसव कहते हैं। प्रसव क्या होता है? गर्भ के बाहर यानी शिशु के कह सकते हैं, गर्भ के या शिशु के या भ्रूण के बाहर निकलने की प्रक्रिया को प्रसव यानी पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन डिलीवरी भी कह सकते हैं सामान्य भाषा में। तो मानव में सगर्भता की औसत अवधि होती है 9.5 माह। 9.5 माह के बाद गर्भाशय में तीव्र संकुचन उत्पन्न होता है और उससे गर्भ बाहर निकल आता है। इस प्रक्रिया को प्रसव यानी पार्चुरेशन कहते हैं। प्रसव का संकेत पहले उत्पन्न होता है, मातक में हल्का संकुचन उत्पन्न होता है जिससे इंडिकेट होता है कि अब समय आ गया है शिशु के जन्म का। तो ये संकेत कौन उत्पन्न करता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रसव के लिए संकेत कौन उत्पन्न करता है? तो यही गर्भ ही यानी पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा यानी प्लासेंटा दोनों मिलकर हल्की गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं जिसे गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। समझ में आया? सबसे पहले क्या होता है 9.5 माह की अवधि के बाद जब गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो वह एक हल्का गर्भाशय संकुचन उत्पन्न प्रेरित करता है। हल्की सी माइल्ड पेन होती है और संकुचन उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त। और जब ये होता है, गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त होता है, हल्का गर्भाशय संकुचन प्रेरित होता है, तब माता के पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन। यानी गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त के बाद मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्राव सक्रिय होता है। यानी माता के पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है। और जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन गर्भाशय के पेशी स्तर
गर्भाशय के पेशी स्तर मतलब मध्य स्तर, पेशी स्तर में संकुचन को प्रेरित करता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य बताइए। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का कार्य क्या होता है, पेशी स्तर में संकुचन को प्रेरित करता है ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, प्रसव के समय। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब स्रावित होता है तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, गर्भाशय पेशी स्तर में कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन को और तीव्र करता है। जैसे जैसे गर्भाशय पेशी स्तर में संकुचन तीव्र होने लगता है वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन और ज़्यादा रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जितना ज़्यादा रिलीज होगा गर्भाशय पेशी स्तर में उतना ही संकुचन होने लगता है, और बार बार ऐसा होते रहने से, ऑक्सीटोसिन का लेवल रेज होते रहने से गर्भाशय पेशी संकुचन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और तीव्र संकुचन के कारण ही गर्भ बाहर निकल आता है और यही कहलाता है शिशु जन्म या प्रसव। इसी को कहते हैं शिशु जन्म या प्रसव, पार्चुरेशन। और जन्म शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल आता है। बस क्लियर है क्या होता है, सगर्भता के अंत में यानी गर्भावधि 9.5 माह के बाद गर्भाशय पेशी स्तर में तीव्र संकुचन होता है जिससे गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की प्रक्रिया को प्रसव या शिशु जन्म कहते हैं, पार्चुरेशन या शिशु जन्म कहते हैं। लेकिन इसका पहले संकेत उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं होता कि एक बैग तुरंत बाहर निकल आता, नहीं, पहले एक हल्का दर्द हल्का संकुचन उत्पन्न होता है और उसके बाद फिर ये प्रक्रिया होती है। तो प्रसव के लिए संकेत कौन पैदा करता है, पूर्ण विकसित गर्भ, जो बाहर आना है वही पूर्ण विकसित गर्भ और अपरा दोनों मिलकर एक हल्का गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं, वही संकेत है कि डिलीवरी का टाइम आ गया। तो उसे हम कहते हैं गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, यानी जो हल्का गर्भाशय संकुचन उत्पन्न होता है पूर्ण विकसित भ्रूण के कारण उसे हम कहते हैं गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और हल्का गर्भाशय संकुचन जैसे ही होता है मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रक्त में घुलकर गर्भाशय पेशी स्तर तक पहुंचता है और गर्भाशय पेशी स्तर में संकुचन को और तेज करता है और संकुचन तेज होने लगता है। जैसे जैसे संकुचन तेज होता है वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन और रिलीज होता है और धीरे धीरे संकुचन और तीव्र हो जाता है और तीव्र से तीव्रतर हो जाता है, यानी संकुचन बहुत तेज होने लगता है कॉन्ट्रैक्शन, और उसी के दौरान गर्भ गर्भाशय से बाहर निकल आता है। इसे हम शिशु जन्म या प्रसव कहते हैं और शिशु जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल आता है। क्लियर है बातें। अब स्त्री की स्तन ग्रंथियों यानी मैमरी ग्लैंड्स में सगर्भता के दौरान कुछ बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक उन स्तन ग्रंथियों में दुग्ध उत्पादन भी होने लगता है, इसी को हम दुग्ध श्रवण या लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है, स्त्री के स्तन ग्रंथियों में सगर्भता के दौरान कई बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दुग्ध या इनमें दुग्ध उत्पादन होने लगता है, दुग्ध उत्पादन होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रवण कहते हैं, इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रवण, दुग्ध श्रवण कहते हैं, यानी शिशु जन्म के पश्चात दुग्ध उत्पन्न होने लगता है और इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रवण या लैक्टेशन कहते हैं, इंग्लिश में लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है, दुग्ध श्रवण के प्रारंभिक कुछ दिनों में जो दूध स्रावित होता है वो पीले रंग का होता है और उसे हम प्रथम स्तन
या खीस कहते हैं, इंग्लिश में कोलोस्ट्रम कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार पूछा जाता है। दुग्ध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों में जो दुग्ध स्राव होता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस, इंग्लिश में कोलोस्ट्रम कहते हैं। याद करिए पहले कि माता के दुग्ध ग्रंथि से आरंभिक कुछ दिनों में जो दूध स्रावित होता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं। इसको इस तरह से भी हिंदी में लिखा जा सकता है, कोलोस्ट्रम, इस तरह से ही पूछा जाता है कोलोस्ट्रम क्या है। तो कोलोस्ट्रम क्या है? आरंभिक कुछ दिनों में निकला हुआ दूध। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं। माता के दुग्ध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों में जो दूध स्रावित होता है उसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। यानी जो नवजात शिशु है उसमें कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए ये दूध जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस नवजात शिशु के लिए, क्योंकि इसमें कई प्रकार के एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो नवजात शिशु को कई प्रकार के रोगों से रक्षा करती हैं। इसीलिए डॉक्टर सलाह देते हैं कि आरंभिक कुछ दिनों में शिशु के, नवजात शिशु को स्तनपान कराना आवश्यक होता है। आपने देखा होगा, लिखा होता है कि 6 माह तक शिशु को स्तनपान अवश्य कराएं। क्यों? क्योंकि उस दौरान जो दूध स्रावित होता है माता के स्तन ग्रंथि से उसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो उस नवजात शिशु को अनेक रोगों से बचाते हैं। ठीक, बस ये था आपका प्रसव की प्रक्रिया और दूध स्रवण के बारे में। प्रसव क्या होता है, पार्चुरेशन क्या होता है? तो सगर्भता के अंत में गर्भाशय पेशी स्तर में तीव्र संकुचन के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही शिशु जन्म या प्रसव कहते हैं। और इस प्रसव की संकेत कौन देता है? तो प्रसव का संकेत कहाँ से उत्पन्न होता है? पूर्ण विकसित भ्रूण एवं अपराशय, जब हल्का गर्भाशय संकुचन होता है। हल्का गर्भाशय संकुचन होने से माता का पीयूष ग्रंथि एक्टिव हो जाता है और उससे निकलता है एक हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रक्त में घुलकर गर्भाशय पेशी स्तर तक पहुंचता है और उसमें संकुचन को और प्रेरित करता है और संकुचन बढ़ जाता है। जैसे जैसे संकुचन बढ़ता है वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन और बढ़ता है, पीयूष ग्रंथि से और निकलता है। और जैसे जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे गर्भाशय पेशी स्तर में तीव्र से तीव्रतर संकुचन उत्पन्न होता है और गर्भ बाहर आ जाता है, यानी प्रसव की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। और शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही अपरा भी गर्भाशय से निकल आता है। अब ये चीज़ें तो आपने देखा नहीं होगा कभी कि अपरा भी निकलता है, डॉक्टर से देखते हैं, अपरा को काट के निकाल दिया जाता है। लेकिन आपने ज़रूर देखा है एक चीज़, शिशु को, अगर आपने नवजात शिशु को आपने हाथ में उठाया है तो जरूर देखा होगा, नाभि से एक नली निकली होती है जिसे हम नाभिरज्जु अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, बताया था इससे पहले। वो शिशु के बाद भी आपको देखने को मिल सकता है और उस कुछ दिन बाद उसको जब सूख जाता है वो, तब उसको काट के निकाल देते हैं और उसकी स्पॉट आज भी हमारे पेट के आसपास आप देख सकते हैं, जो गोल सा छिद्र बना होता है उसी को हम कहते हैं, उसी से अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ा होता है जिसे हम नाभि कहते हैं। समझ में आया? अब दुग्ध श्रवण क्या होता है? तो सगर्भता यानी प्रेगनेंसी के दौरान माता के स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक उनसे दुग्ध का श्रवण होने लगता है। इसी को हम दुग्ध श्रवण यानी लैक्टेशन कहते हैं। दुग्ध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों में जो दुग्ध स्राव होता है उसे हम प्रथम स्तन या खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें कई प्रकार की प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। और इसी कारण डॉक्टर सलाह देते हैं कि आरंभिक कुछ दिनों में लगभग 6 माह तक शिशु को स्तनपान कराना आवश्यक होता है। बस नोट कर डालिए, हेडिंग डालेंगे प्रसव एवं दुग्ध श्रवण, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इसमें पहला लिखेंगे
मानव में सगर्भता की औसत अवधि 9.5 माह की होती है, जिसे गर्भावधि या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि सगर्भता के अंत में गर्भाशय में तीव्र संकुचन के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की प्रक्रिया को शिशु जन्म या प्रसव यानी पार्चुरेशन कहते हैं। आगे लिखेंगे प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं अपरा से उत्पन्न होता है, जो हल्के गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करता है, जिसे गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त यानी फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। इससे मात्र पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव होने लगता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन गर्भाशय पेशी स्तर में संकुचन को प्रेरित करता है। जैसे जैसे गर्भाशय के पेशी स्तर में संकुचन उत्पन्न होता है, वैसे वैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन और ज़्यादा स्रावित होने लगता है। ऑक्सीटोसिन के अधिक स्राव से गर्भाशय पेशी स्तर में तीव्र से तीव्रतर संकुचन होने लगता है और गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की प्रक्रिया को प्रसव कहते हैं। आगे लिखेंगे शिशु जन्म के तुरंत बाद ही अपरा यानी प्लासेंटा भी बाहर आ जाता है। अगले लाइन से लिखेंगे सगर्भता के दौरान स्त्री की स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के बदलाव आते हैं और सगर्भता के अंत तक इनसे दुग्ध श्रवण होने लगता है। इसे दुग्ध श्रवण यानी लैक्टेशन कहते हैं। लिखेंगे कि दुग्ध श्रवण के आरंभिक कुछ दिनों में जो दूध उत्पन्न होता है या निकलता है उसे प्रथम स्तन या खीस या कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडीज मौजूद होते हैं, जो नवजात शिशु में प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। आगे लिखेंगे यही कारण है कि डॉक्टर सलाह देते हैं कि शिशु जन्म के पश्चात कुछ समय तक लगभग 6 माह तक नवजात शिशु को स्तनपान कराना आवश्यक होता है। लिखेंगे कि माँ का दूध नवजात शिशु की आहार आपूर्ति करने में मदद करता है। बस इसी के साथ अध्याय आपका पूर्ण रूप से समाप्त होता है। अध्याय 3 मानव जनन कम्प्लीटली फिनिश्ड है। अब इसके बाद अध्याय 4 शुरू होगा, जो कि होगा जनन स्वास्थ्य। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।